तो मैंने ये थोड़ी बोला कि जाती नहीं है, कि जाती है बोला ही कब तुमने? मैंने बोला बहुत भाव खाती है फिर जाती है, ये बोला मैंने। ठीक है ना, बहुत ही गंदा बोरिंग सा रूटीन जो भी है। एक सेकंड, अच्छा ठीक है, आप बता दीजिए। अच्छा आप बता दीजिए, मैं तो नहीं बता, आप बता दीजिए। इतना बोरिंग बताया, उठेंगी क्या? एक सेकंड, अब ये कुछ करती नहीं, मैंने अभी नोटिस किया। अगर अच्छा आप अपना बता दीजिए। हमने बहुत ऑडिशन दिए और बहुत रिजेक्ट हुए। स्टार्टिंग के कितने टाइम तो हम सिर्फ जाते थे, ऑडिशन देते थे और शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होते थे। बट आई थिंक रिजेक्शन को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं अपने डे टू डे लाइफ में कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, इसलिए हम लोग ज्यादा स्टोरीज भी नहीं डालते कि हम कहाँ हैं। जन्नत एंड आयन, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू। तो अभी आपका बर्थडे था तो हम लोगों ने केक रखा यहाँ पे। ओह, ये मिर्ची वाला केक है, ठीक है, नॉट द बर्थडे केक। सो उसमें मिर्ची है क्या? नहीं, मिर्ची नहीं है। थैंक यू सो मच। बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे। अयान का बर्थडे बनता जा रहा है पिछले पता नहीं एक हफ्ते से। आपके गाने में एक लाइन है, एक तरफा प्यार, तो आपको कभी हुआ है? अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आई गेस सी, मुझे सेलिब्रिटी क्रश है जेना ओर्टेगा पे। आपको कभी एक तरफा प्यार? अच्छा, मुझे लगा जेना ओर्टेगा पे। एक तरफा प्यार नहीं है, कभी नहीं, प्यार ही नहीं हुआ एक तरफा। क्या हुआ? मुझे लगता है कुछ इंस्पिरेशन था, कुछ तो है, वो बताने तो नहीं वाला, वो भी कैमरा नहीं 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 नहीं, तो अब तक बता चुका होता मैं अभी तक। मतलब आपके लिए लव क्या है? व्हाट इज लव फॉर यू गाइस? फैमिली, फैमिली, फैंस, फ्रेंड्स, एवरीथिंग। आई थिंक लव इंक्लूड्स काफी कुछ, यू नो। लव का कोई एक कपल वाला एस्पेक्ट नहीं होता है। आई थिंक लव आप कहीं से भी रिसीव कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में रिसीव हो सकता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, बिकॉज यू गाइस आर एक्टर्स, सिंगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, तो आप कैसे मैनेज करते हो? हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो आई गेस ये भी हमारे एक लाइफ का पार्ट ही बन चुका है अब। आई थिंक हमें कभी उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, वो हमेशा आई थिंक हमारे लाइफस्टाइल में इतनी परफेक्टली फिट हो गया है कि हमें ऑटोमेटिकली वो हो जाता है डिफरेंशिएट। आई थिंक इतनी चीज़ें सीखने मिलती हैं कि उसमें से कोई एक चीज़ हम लोग निकाल के वो नहीं कर सकते पॉइंट आउट कि ये चीज़ एक ऐसी थी जो कि मुझे बहुत हेल्प करी। आई गेस हम लोग बचपन से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड हर दिन नई चीज़ें सीखने मिलती हैं, हर दिन नए लोगों से मिलने मिलता है, तो हर इंसान से अलग अलग सीख मिलती है हमें कुछ। See, मुझे तो आई थिंक अपने हर गाने में मेरी सिंगिंग को लेकर लगता है, क्योंकि हम एकदम ही बचपन से ना तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हमने कुछ सालों की ट्रेनिंग ली हुई है, तो जो भी गाना मैं गाती हूँ मुझे ये लगता है कि हाँ नेक्स्ट टाइम इससे बेटर गाऊंगी, इससे बेटर गाऊंगी, तो वो तो हर गाने के लिए होता है। क्योंकि अभी भी हम मैं पर्सनली तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और शाय सिंगर हूँ। मुझे बहुत रिकॉर्डिंग के पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत नर्वसनेस होती है कि कैसा होगा क्या होगा। ये लाइफ किसी के सामने गा ही नहीं पाती है, मतलब कि अगर प्रैक्टिस भी करेंगी ना ये तो रूम में बंद करके अकेले बैठ के रियाज करेंगी, ऐसे किसी के सामने नहीं गा पाती। बट आप बचपन से शाय हो वैसे कि गाने के लिए हमेशा। मैं अभी आपको पूछू कि आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ स्वैप करनी है, ठीक है, फॉर अ डे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? नाउ यू आर Ayan for a day. I'm Ayan for a day. I think हम दोनों ही सुबह सबसे पहले उठकर नहीं सबसे पहले उठकर तो नहीं जिम, बट हाँ मे बी उसके थॉट से ही वो उठता है कि मतलब मुझे इतने बजे जाना है, बैग तैयार करना है और फिर तैयार होके मुझे मील दे दीजिए, मेरा प्रोटीन और मेरा ये एंड देन जिम, उसके बाद पूरा दिन, उसके बाद 3 घंटा गायब, उसके बाद ही आएंगे उसके बाद ही अपनी दूसरी मील करेंगे और फिर इनकी और मील करते करते इनका YouTube चलता रहेगा जिसमें कुछ तो देखते रहेंगे। मुझे तो लग रहा है कि बहन भड़ास निकाले अपने बचपन से अयान को डांट पड़ रही कि खाने के टाइम पर डोंट यूज योर फोन, बट वो कभी सुनता नहीं। हर इंसान का होता है, बिना यूट्यूब के नहीं खाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं तो खाती हूँ, मैं इंसान नहीं होता। चलो मैं निकल नहीं तो फिर वो खाएंगे और उसके बाद अयान का जो भी है थोड़ा बहुत रील्स वील्स देखेंगे, उसके बाद तैयारी होगी, दूसरा बैग तैयार होगा, बैडमिंटन का बैग, फिर उसके लिए रेडी होंगे, फिर वो जाएंगे, फिर अयान गायब 2.5 घंटे के लिए फिर अयान आएंगे, फिर अयान नहाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे और तब अयान हो जाते हैं थोड़ा फ्री, उसके बाद थोड़ा फैमिली टाइम या जो भी ये देंगे वो देंगे या काम वाम जो होगा वहाँ बाहर जाएंगे, उसके बाद हो जाती है रात, उसके बाद अयान खेलना शुरू करते हैं चेस या कोई दूसरा गेम, फिर मैं कह देती हूँ अपने रूम की लाइट ऑफ कि अयान 2 बज गया है, नींद आ रही है, बंद करो ये सब। मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, फिर अयान का फोन का हो जाता है फ्लैश लाइट ऑन, क्योंकि फिर उसको फ्लैश लाइट ऑन करके चेस खेलना है। ये अयान का रूटीन। ये आपको चांस चाहिए था ना कि कोई आपको पूछे ये फ्लैश वाली चीज के बाद आई गेस चाहिए था। आई थिंक हाँ, बिकॉज
अभी तो कम हो गया है ये कम बार घुमा घुमा के बस निकलवाना चाहते हैं ये कम हो गया है ये जो है दो घंटा नीचे जाने के सब एक बहुत कम हो गया है आज के जमाने में सब इतना फोन में इन्वॉल्व होते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं है कि बाहर जाओ खेलो जाके स्पोर्ट्स खेलो और ये सारी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करो जाकर एटलीस्ट उसका जो फोन का इन्वॉल्वमेंट या गेम है वो रात में खेलते वो भी चेस खेलता है तो मुझे या मम्मी डैडी को उससे भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो भी वो कुछ दिमाग का खेल खेल रहा है और उसके पहले भी जो वो कर रहा है आई थिंक उसके लिए हेल्प भी करेगा उसको आगे चलकर अभी आपकी बारी है अगर आप जन्नत हो एक दिन के लिए मैं पहले उठूंगा मैं थोड़ा सा ऑर्डर करूंगा बाहर से मील क्या नहीं कर दिया आप ऑर्डर आपने भी रिसेंट बताया मैं भी रिसेंट बता रहा हूँ हाँ तो मैं मील ऑर्डर करूंगा मील खाऊंगा फिर थोड़ी देर भाव खाऊंगा जिम जाने के लिए फिर ये मुझे भेजेंगी फिर मैं जिम से वापस आऊँगा फिर उसके बीच का मुझे पता नहीं फिर मैं जिम चला जाता हूँ क्योंकि तो मुझे उसके बीच का नहीं पता वो तीन घंटे फिर वो तीन घंटे के बाद जब मैं आता हूँ फिर ये कुछ या तो खा रही होंगी या तो फ़ोन में लगे रहेंगी अपने रूम के अंदर फिर रूम में रहेंगी पूरे टाइम मतलब मैं रहूँगा रूम में पूरे टाइम फिर कुछ नहीं करते यार कितना बोरिंग बताया है कुछ इसने। नहीं अपने अपनी लाइफ में कितना बोरिंग बताया है सेकंड उठेंगी ये क्या था एक सेकंड अपने कुछ करती नहीं मैंने अभी नोटिस किया अगर अच्छा आप अपना बता दीजिए आप अपना बताइए आयान से पहले जिम मैं जाती हूं बट ये कुछ और ही बोल रहे आयान से पहले जिम मैं जाती हूं और मैंने बोला ना उसके बाद फिर मैं फ्री नहीं आता क्योंकि मैं चले जाता हूं तुमने हाँ, बोला ही नहीं कि ये जिम जाती है हाँ, तुमने तो बोला ही नहीं बोला ना मैंने अब बोल इसने बोला आपने कि बोला कि बहुत भाव गाने के बाद हाँ तो मैं हाँ, तो मैंने ये थोड़ी बोला कि जाती नहीं है कि जाती है बोला ही कब तुमने मैंने बोला बहुत भाव खाती है फिर जाती है ये बोला मैंने ठीक है यार बहुत ही गंदा बोरिंग सा रूटीन जो भी है एक सेकंड अच्छा ठीक है आप बता दीजिए अच्छा आप बता दीजिए मैं तो नहीं बता आप बता दीजिए इनका जिम में ये पॉइंट आयान ने लूज किया मेरा 3 घंटे का जिम है आयान ने पॉइंट लूज किया ये कोई पॉइंट की बात ही नहीं थी पहले तो बट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और झगड़े होंगे मतलब कंटेंट बहुत जगह पे अवेलेबल है सो इज इट डिफिकल्ट कि अभी होल्ड रखना मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊँ तो हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और काफ़ी साल तक के हमने बहुत कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाए बट मैंने कभी भी प्रॉपर कंटेंट वीडियोस कभी भी नहीं बनाए नहीं बनाए हम लोग दोनों ने ही नहीं बनाए मतलब हैट्स ऑफ टू द पीपल जो इतना टाइम देकर वो बनाते हैं right. लेकिन मैंने कभी भी नहीं बनाए राइट और आयान ने भी नहीं बनाए ऐसे कुछ खास कंटेंट वाले वीडियोस तो हम लोग अगर बनाते हैं तो या तो लिप सिंक डांस वैसा बनाते थे हम लोग अब तो हम लोग वैसे वो भी नहीं बनाते लिप सिंक में नहीं बनाते हम लोग वो भी नहीं बनाते टिकटॉक के टाइम पर बहुत बनाते थे बट हम थोड़ा रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं अगर हमने एक दूसरे के साथ बनाना होता है तो हम रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं बट आपने बहुत करेक्टली बोला कि अब कंटेंट बहुत जगह पर अवेलेबल है और हम खुद उसका बहुत मजा लेते हैं क्योंकि चाहे आप रील्स ले लें चाहे आप यूट्यूब शॉर्ट्स ले लें लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस ले लें कहीं पर भी ले लें बट हाँ कभी हमें वो नहीं लगता कि हम इसमें कम्पीट करें हम सबसे अच्छा कंटेंट बना कर दें या इतने लोग आ गए हम कहाँ दिखेंगे क्योंकि आई थिंक हम कभी उसमें गई नहीं हमने वो चीज कंटेंट क्रिएशन में नहीं गए हम लोग जी आप एक लाइन ड्रॉ कर दो कि कितनी लाइफ हमें पब्लिक को दिखानी है और कितनी नहीं दिखानी है हम सबकी लाइफ है बियॉन्ड सोशल मीडिया एंड आई एम नॉट समबडी who's comfortable showing everything जो भी मैं अपने day to day life में कर रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ खा रही हूँ क्या कर रही हूँ किससे मिल रही हूँ इसलिए हम लोग ज़्यादा stories भी नहीं डालते कि हम कहाँ हैं और अगर कभी मन करता है कि हाँ उस दिन का मुझे सब कुछ दिखाना है तो मैं वो भी दिखा दूंगी इट्स नॉट लाइक वो पत्थर की लकीर है कि करना ही नहीं है बट आई थिंक इट डिपेंड्स जो हम दिखाना चाहते हैं वो दिखाएंगे लेकिन जो नहीं दिखाना चाहते फिर वो नहीं दिखाएंगे जो हमें ऐसा लगे कि भाई ये हम लोग पूरे दिन का दिखाएंगे तो पूरे दिन का दिखाएंगे वरना फिर तीन चार दिन तक के कुछ भी नहीं करेंगे कि भाई फुल इनएक्टिव ना स्टोरीज आ रही है ना पोस्ट आ रही है हमें पसंद है अगर कि भाई ये अच्छी फोटो आ गई तो डाल दो ये जगह अच्छी लग रही है तो एक स्टोरी लेके डाल दो टू नॉट फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग जबरदस्ती के नहीं अब इतने फॉलोअर्स है तो जबरदस्ती करना ही पड़ेगा आई थिंक वो स्पेस आपको देनी चाहिए अपने आप को कि जब आपका मन करे या जब आपको लगे कि करना चाहिए तब करो भी बहुत सारे कमेंट्स ये भी थे कि जो नए जिनको एक्टिंग में आना है एक्टिंग करनी है उनको आप लोग से जानना है कि क्या टिप्स देना चाहोगे आप
आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नेवर सेल्फ डाउट योर सेल्फ, बिकॉज हमने बहुत ऑडिशन दिए और बहुत रिजेक्ट हुए हैं. स्टार्टिंग के कितने टाइम तो हम सिर्फ जाते थे, ऑडिशन देते थे और शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होते थे. चार साल शॉर्ट लिस्ट इज अ टर्म, जब आप बहुत सारे बच्चे ऑडिशन देते हैं तो उनमें से कुछ 5-6 शॉर्ट लिस्ट होते हैं और उसमें से कोई एक सिलेक्ट होता है. तो वो जो रिजेक्शन बार बार इंसान फेस करता है ना, आई फील उसमें इंसान सेल्फ डाउट करने लगेगा कि शायद आई एम नॉट गुड इनफ, या हम वैल्यू नहीं हो रहे हैं उस जगह पर, या फिर शायद मुझ में ही कुछ कमी है. बट इट्स नॉट लाइक दैट. बट आई थिंक रिजेक्शन को हैंडल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली जो यंग जनरेशन है या जो हमारे एज के लोग हैं, हमसे भी छोटे हैं, आई थिंक वो तो एक दो कमेंट ही उनको ऐसा आ जाता है तो उनको बहुत ही रिजेक्टेड फील होता है. बेसिकली नेवर गिव अप, नेवर गिव अप एंड नेवर सेल्फ डाउट योरसेल्फ. जाने से पहले एक मैसेज आप दोनों का आपके सब फैंस के लिए. हमसे उनको थैंक कर सकते हैं बिकॉज दैट्स द लीस्ट वी कैन डू, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट वी कैन डू, क्योंकि इतने सारे हैं टचवुड और हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और हमें इतना सपोर्ट करते हैं और इतना सेल्फलेस प्यार करते हैं कि हम उनके लिए, हम उनके लिए कुछ ऐसे कर भी नहीं पाते हैं, एंड स्टिल अगर हम लोग जाएंगे तो वो इतनी मेहनत से अपने दिन का इतना टाइम निकाल के एडिट्स प्रॉपर हमारे लिए बनाते हैं, विच इज़ नॉट वेरी ईजी. ऐसा एडिट्स आपके लिए, आप किसी के लिए बनाना जो कि आप शायद ही वो आपको जानता हो या फिर शायद ही वो आपके लिए एडिट वो देखेगा. तो ये बहुत सेल्फलेस लोग हैं, तो आई थिंक इट्स जस्ट वी जस्ट वेरी ग्रेटफुल कि हमारी लाइफ में ये सब हैं, और आई थिंक ये हमारे लिए ब्लेसिंग ही है. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर एंड ऑलवेज being so selfless for us. Hi, this is Jannat Zubair. And this is Ayan Zubair. You are watching us and listening us on Mirchi Plus.